नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद। चुनाव से पहले पुलिस ने हथियार फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। काफी मात्रा में बने अनबने हथियार हुए बरामद। फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ पुलिस ने पटेल कारखाने के पास से छापा मारकर अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में नाजायज हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में दो आरोपियों को अरेस्ट किया है। वहीं पुलिस कस्टडी में इस वक्त अमर और मुकेशुद्दीन है। थाना रामगढ़ पुलिस और SOG पुलिस ने पटेल कारखाने के पास बने बाउंड्री के अंदर चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा मारा। वहीं गोरख धंधे को उजागर किया। पुलिस ने मौके से मौत बांटने वाले सामान यानी हथियारों के जखीरे को बरामद किया है। पुलिस की माने तो पकड़े गए आरोपी शातिर किस्म के अपराधी हैं और कई बार जेल की हवा खा चुके हैं। SPCT मुकेश कुमार की माने तो आरोपियों का इतिहास काफी बड़ा है और इनके कब्जे से 15 देसी तमंचे और अधबने नाजायज हथियारों के साथ हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। यह प्रकरण थाना रामगढ़ से संबंधित है, जहां SO रामगढ़ ने एक सफलता प्राप्त की है। इसमें दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इनके द्वारा एक चलाई जा रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री को इन्होंने पकड़ा है। इन दोनों अभियुक्तों का नाम अमर और गुड्डू है। दोनों रामगढ़ थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी काफी लंबा चौड़ा है, जो आपको दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इनके पास से लगभग 15 तमंचे, 315 बोर बरामद हुए हैं। एक अधबना तमंचा बरामद हुआ है, दो कारतूस बरामद हुए हैं। भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। इनको पर्याप्त सबूतों के साथ आज माननीय न्यायालय के अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इनसे गहनता से पूछताछ की गई है और कुछ सुराग और हैं। इनसे संबद्ध व्यक्तियों के बारे में और जानकारी की जा रही है और शीघ्र ही और बड़ा खुलासा होगा। सर, ये चुनाव से पहले ये इतनी बड़ी जो फैक्ट्री पकड़ी गई है, तो क्या ये चुनाव के लिए तैयार कर रहे थे क्या? देखिए, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल इन्होंने ऐसा कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन ये जरूर बताया है कि इधर मांग बढ़ी है, इसलिए इसमें हम लोग गहनता से जांच कर रहे हैं और शीघ्र ही जो इनसे सूत्र प्राप्त हुए हैं और भी खुलासे होंगे। सर, ये इनके तार कहां तक जुड़े हुए हैं, इनके पता चला? इनका पुराना आपराधिक इतिहास है और पुराना आपराधिक इतिहास है, काफी लंबे समय से ये कार्य कर रहे हैं। कई बार जेल भी जा चुके हैं, आदतन अपराधी।